अरे नहीं यार रुको, ये रहा। चलो चलो फिर जोड़ लो भाई ना। ईमानदारी से वो कमाल यार, कुछ समझ नहीं आ रहा एकदम क्या करें यार। कितना तुम डर रहे हो, आराम से बैठो। इतने बड़े साइज का वाइल्ड बोर एलिफेंट साइटिंग। हेलो फ्रेंड्स, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम जब जब आए हैं हमें टाइगर की साइटिंग हुई है। यहाँ पर सिर्फ 95 स्क्वायर किलोमीटर में 32 टाइगर्स हैं और 105 एलिफेंट हैं, जो कि यहाँ के स्टाफ का कहना है। जब जब भी हम यहाँ पर आए हैं हमें टाइगर की साइटिंग हुई है। अभी हमने इसमें एंट्री की है और वाइल्ड लाइफ की स्टार्टिंग हो चुकी है। ये देखिए नीलगाय बैठी है छाया में, पेड़ों की छाया में ये छुप कर बैठी है। हम चलते हैं, हम इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। 32 टाइगर्स में से 28 एडल्ट बताए जाते हैं और 4 उनके कब्स बताए जाते हैं। वैसे टाइगर की पॉसिबिलिटी यहाँ पर और ज़्यादा है क्योंकि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बराबर में ही है, तो उससे भी कुछ टाइगर माइग्रेट करते रहते हैं। इसमें एंट्री करने के 5-10 मिनट में ही एक वाटर होल आ जाता है, जिसे 15 नंबर वाटर होल बोलते हैं। तो इसमें वाइल्ड लाइफ काफ़ी एक्टिव रहती है और यहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता है। यहाँ पर एक मचान भी है, इस मचान पर टूरिस्ट अलाउड नहीं है, यह मचान वनकर्मियों के लिए है बस। वैसे इसमें पानी का जो मेन सोर्स है वो बरसात ही है, बरसात में इसमें पानी भर जाता है, काफ़ी मात्रा में पानी भर जाता है, जो कि एनिमल्स के काम आता है पीने के लिए, नहाने के लिए, और अधिकतर टाइम इसमें पानी बना ही रहता है। हम गाड़ी में ऐसे खटर पटर कराते रहेंगे, खुद टाइगर की साइटिंग करते रहेंगे। आप भी हमारे साथ देखते रहिए, टाइगर आज हम जरूर देखेंगे। यहाँ पर साइटिंग हो ही जाती है अधिकतर, लेकिन फिर भी अगर जंगल में आ रहे हैं तो जंगल लवर्स की तरह आना चाहिए, ना कि जानवर देखने के लिए आना चाहिए। जंगल में आना भी तो अपने आप में एक अलग ही रोमांचकारी एक्सपीरियंस होता है। जंगल का हर रूप अच्छा लगता है। और ये देखिए यहाँ पर पत्तों की आवाज़ कैसे आती है, सुनिए। हाथी एलिफेंट रोक लो, रोको रोको। ओ कमाल यार, हाँ ये वाटर होल पे जा रहे हैं, रुक गया। एलिफेंट साइटिंग खड़ा है, वो खड़ा है भी। हाँ भी खड़ा है, बिल्कुल बिल्कुल। रोको रोको रोको, आवाज सुनिए। अभी ऐसा लग रहा है टाइगर की ग्राउलिंग आवाज हो। गाड़ी बंद कर लो 5 मिनट के लिए, रोक लो। अभी टाइगर की आवाज़ आई थी और एलिफेंट भी हैं, सब लोग बहुत एक्साइट हो गए हैं। हाथी, हाथी, चलो चलो चलो। अरे रुक जाओ यार, इतना मत डरो भाई। अरे गाड़ी से तो इतना भागने गया, हम लोग थोड़ा भाग लेते हैं, देख लगा वो देख लेना। ये रहा एलिफेंट। ये रहा कमाल यार। अभी इस एलिफेंट ने हम पर चार्ज किया था, गाड़ी की तरफ आया था ये। हाथ तो थोड़ा कांपने लगते हैं। ये है इसके साथ एक इसका बच्चा भी है। कुछ लोग आज जंगल सफारी पर हमारे साथ फर्स्ट टाइम आए हैं, मतलब उन्हें जंगल सफारी का एक्सपीरियंस नहीं है, वो डर भी ज़्यादा रहे हैं। अभी एलिफेंट को देखकर बहुत डरने लगे वो। अरे नहीं यार, ये 5 मिनट में फिर दोबारा एलिफेंट का पूरा हड दिख गया। ये रहा एलिफेंट का पूरा हड। सफारी वसूल हुई बिल्कुल। ये रहा कितने है काउंट करना, 5, 2, 7, 8,
अभी ज्यादा है, 10 है, 10 10 12 10 से भी ज्यादा होंगे ये, बच्चे भी 2-3 लगते देख लेते हैं। देख तो ये हमें जब भी लेते हैं, जब हम इन्हें नहीं देख पाते। गाड़ी बढ़ाओ, पैर खोद रहा वो। अरे कुछ नहीं होता यार इतना। सर ये इसकी पहचान है गुस्से की। मालूम है वो। चलो यार वो हमें जरा हल्का सा आगे करना। इतना कोई डरते हैं यार, जितना तुम डर रहे हो। आराम से बैठो, बच्चों के साथ मादा है। तो पीछे रहो, सबसे बड़ा वाला वो पड़ा इधर। हाँ वो हम ही देख रहे हैं, हमारी बैकग्राउंड में एलिफेंट है। हाँ टेंशन हमारी साइड है उन एलिफेंट का। वो हमें जो है डरा रहे हैं, हमसे कह रहे हैं आगे जाओ आगे जाओ। चलो भैया कहना मानना चाहिए बन के रोड। एलिफेंट का पूरा हर्ड था। अब हम 10 नंबर वाटर होल पर पहुंच रहे हैं, जो कि इस टाइगर रिजर्व की जान है। यहाँ पर टाइगर की साइटिंग अधिकांश होती है। अगर हमने 10 बार टाइगर की साइटिंग की या आप यहाँ पर आएँ तो आपको 10 में से 4 से 5 बार टाइगर की साइटिंग इसी पॉइंट पर होगी। अभी टाइगर तो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर बड़ी शांति है। और जो एनिमल्स हैं, मतलब एनिमल्स से मतलब है कि जैसे पेड़ पर चढ़ने वाले हैं, लंगूर हैं, बंदर हैं, वो नीचे नहीं दिख रहे हैं, वो पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। तो ये कुछ साइंस होते हैं कि हाँ टाइगर आसपास हो सकता है, लेकिन अभी तो यहाँ पर दिख नहीं रहा। मगर आज हमने एलिफेंट इतने देख लिए हैं यहाँ पर कि आज से पहले इतने एलिफेंट नहीं देखे। तो एक जगह 2 एलिफेंट थे, एक जगह पूरा हर्ड था। लेकिन आंखें तो अधिकतर सबकी टाइगर को ही ढूंढती हैं। तो वापसी में भी देखेंगे इस वाटर होल को। चलो भाई अभी से वापसी में देखेंगे। ये बर्ड आज पहली बार देखी है, कौन सी है? धीरे धीरे बोलो। काफी अलग है बिल्कुल, आज से पहले नहीं देखी थी। वाओ यार, जरा इस पेड़ को तो देखो, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि जैसे हमारा ये कोई इंडियन पेड़ है, क्योंकि आज से पहले तो ये हमने देखा नहीं है। इसका जितने भी लोग हम गाड़ी में हैं, इसका नाम भी नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सुंदर पेड़ है। अमेजिंग ब्यूटीफुल। ओपन जंगल सफारी करते वक्त हर टाइम एक रोमांच बना रहता है। पता नहीं किस क्षण किस मोड़ पर क्या दिख जाए, क्या आ जाए, अटैक भी हो जाता है कई बार। वैसे हमारे साथ अभी ऐसा बैड एक्सपीरियंस तो हुआ नहीं है, लेकिन हाँ रोमांच हमेशा हर क्षण बना रहता है। स्पॉटेड डियर का हर्ड है, पूरा छोटा बच्चा भी है साथ में। हम तो जंगल लवर्स हैं, हम तो इस जंगल को भी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आंखें कहीं ना कहीं भी टाइगर को सर्च कर रही हैं। लेकिन टाइगर महाराज दिखते जब ही हैं, जब वो दिखना चाहते हैं। तो टाइगर जी हमारी इंसल्ट मत कराना। ये देखिए फिर स्पॉटेड डियर की फैमिली है, इन्हें स्मेल आ जाती है, कॉलिंग करने लगती है। अब हम फिर 10 नंबर वाटर होल की तरफ जा रहे हैं। मुझे लग रहा है, यहाँ ऐसा लग रहा है मुझे कि इस सफारी का सबसे एक्सट्रीम एडवेंचर वाला टाइम आने वाला है। शायद यहाँ पर टाइगर दिख ही जाएगा, पूरी उम्मीद है। अगर यहाँ पर टाइगर नहीं दिखा तो शायद फिर पॉसिबिलिटी कमी हो जाएगी। अधिकतर वैसे हम अभी तक यहाँ पर निराश हुए नहीं है, टाइगर दिख ही जाता है। तो देख रहे हैं, थोड़ा हार्ट बीट बढ़ गई है, सब बिल्कुल शांत बैठे हैं गाड़ी में। देखते हैं सामने वाटर होल दिख रहा है। मोर है यहाँ तो, हाथी हाथ। इतने बड़े साइज का वाइल्ड बोर है, दूर से हम इसे एलिफेंट समझ रहे थे। यार बहुत बड़े साइज का है ये, आज से पहले इतना बड़ा वाइल्ड बोर नहीं देखा। कमाल यार, ये हम ही देख रहे हैं।
ये इतने खतरनाक होते हैं कि इनसे टाइगर और लॉयन भी पंगा नहीं लेना चाहते, मतलब वो भी इनसे टकराने से बचते हैं, अवॉइड करते हैं इन्हें। इनके ना आगे टस्क रहते हैं, ये उससे काफ़ी अच्छी तरह सामने वाले को चीर फाड़ देते हैं। देखो टाइगर, कमाल यार, वाइल्ड बोर के चक्कर में थे, वाइल्ड बोर को देख रहे थे, सामने टाइगर भी था, टाइगर की तरफ ध्यान ही नहीं गया जबकि वो हमारे काफी पास भी था। वाइल्ड बोर इतना बड़ा था कि मतलब उससे सब लोग उसे देखने में बिजी थे और सामने टाइगर इसकी तरफ ध्यान ही नहीं गया, एकदम सन दे गए, कमाल ही हो गया। और इतना बड़ा वाइल्ड बोर और टाइगर, ये इसका मुंह थोड़ा पतला है, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फीमेल है, मतलब ये टाइग्रेस है, पानी पीने की कोशिश कर रही है। कमाल यार, अमेजिंग साइटिंग, पैसा वसूल, मतलब जिस क्षण का, जिस मोमेंट का हम इंतजार कर रहे थे जब से सफारी शुरू हुई थी, वो आ ही गया। कोई वर्ड्स नहीं है मतलब बोलने के लिए, कमाल यार। सॉरी, थकान उतर गई एकदम, एक्सट्रीम एडवेंचर, पानी पीते हुए पहली बार देखा टाइगर को, जब भी खाते हुए और शिकार करते हुए देख रखा हमने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा एकदम क्या करें। चलो अभी इसे डिस्टर्ब नहीं करते हैं, चलो आगे। कैसा लगा भाई टाइगर देख के? मजा आ गया टाइगर देख के, मजा आ गया जी, मेहनत वसूल हो गया हमारे आने की, मजा आ गया भाई। स्पॉटेड डियर है फिर, पूरी फैमिली है ना, ये मेल स्पॉटेड डियर है, इसके एंटलर सीन से नॉइस के, ऐसा लग रहा है कि आज हमने बहुत अच्छा टाइम और बहुत अच्छा दिन सेलेक्ट किया सफारी के लिए। वाइल्ड लाइफ बिल्कुल एक्टिव दिख रही है, हमने एलिफेंट देखे, स्पॉटेड डियर, कई जगह एलिफेंट तो कई जगह देख लिए, और ये बर्ड्स अलग अलग तरह की भी देख ली कई जगहों पर। ये इनका पेड़ है पपल, कई लोग सोचेंगे कि इस कलर की बर्ड्स देख रखी हैं, लेकिन वो पैरट होते हैं, तोते होते हैं, ये बर्ड्स हैं, चिड़िया, ये एक अलग चिड़िया है। यहाँ का जो वन्य जीवन है, जो वाइल्ड लाइफ है, कितना समृद्ध है। ऊपर चिड़िया बैठी हैं पेड़ों पर, नीचे डियर, स्पॉटेड डियर घूम रहे हैं। इन दोनों में, बर्ड्स में और स्पॉटेड डियर में, एक बॉन्डिंग भी होती है खाने के लिए, जो कि अगले व्लॉग में बताएंगे। ये है वाइल्ड फाउल, मतलब जंगली मुर्गा, ये मेल होता है, जो ये काफ़ी कलरफुल होता है, ये मेल जंगली मुर्गा होता है ये, और ये अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में भी, और यहाँ के जो हरिद्वार में राजजी टाइगर रिजर्व है, ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ये स्पॉटेड डियर, ये इधर से आ रहा है, या तो हमें देख के इतने तेज भागा है, या इसने कुछ और देखा डरावना भाग गया। अभी यहाँ पर सामर डियर की कॉल हुई थी, दो बार बोला था सामर डियर। टाइम ज़्यादा होता जा रहा है, हम ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, कॉल तो हुई थी लेकिन टाइगर आया नहीं, या तो टाइगर बैठ गया। या इतने बड़े एंटलर, मतलब इतने बड़े सींग वाला स्पॉटेड डियर आज से पहले देखा है? ईमानदारी से बताइए। ठीक है, किंग ऑफ जंगल मतलब टाइगर का अपना एक अलग ऑरा होता है, लेकिन इन्हें भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, इनका भी, ये भी वाइल्ड लाइफ का एक पार्ट है, क्योंकि जिन्हें दिखने लगते हैं वो इन्हें अंडर एस्टिमेट कर देते हैं,
ये तो आम जानवर हैं, आम जानवरों की तरह दिखते रहते हैं, लेकिन ये देखना भी अपने आप में काफी रेयर होता है। ये हर पेड़ की जड़ में सिखा दिया कुछ ना कुछ। ये एक छोटा सा ब्रिज मतलब पुल पड़ता है, छोटे से ये रवीन लो नाले के ऊपर बना हुआ है। तो यहाँ पर हमें कुछ हलचल लगी थी, तो हमारी गाड़ी आगे निकल गई थी, लेकिन हम गाड़ी पैक करा रहे हैं। हमने यहाँ पर इस पॉइंट पर ऑलरेडी हम दो बार टाइगर देख चुके हैं, तो अगर आज भी दिख जाए तो ये वो हो जाएगी हैट्रिक, मज़ा ही आ जाएगा। चलो आगे मक्खी लगी यार, चलो उस मक्खी लगी यार। अरे नहीं आ रहा है, अरे नहीं यार रुको रुक गया। वाह यार अमेजिंग, हमने तो सोचा भी नहीं था कि किसी पॉइंट पर तो आज तीसरी बार टाइगर मिल जाएगा। पेड़ के पीछे खड़ा हो गया, वो छुपा हुआ है वहाँ पे। स्टार्ट करो भाई। गाड़ी की आवाज़ सुनी वो बैठ गया, बैठ गया चलना, तो इधर ने आज तो यार मजा ही आ गया। सफारी हो तो ऐसे ही हो, आज दो दो टाइगर देखने को मिल गए। कई बार ऐसा होता है कि किसी को एक भी टाइगर देखने को नहीं मिलता, और आज हमने एक ही सफारी में दो टाइगर देख लिए। अभी और अभी तो रास्ता बाकी है, अभी तो गेट पे पहुंचने में हमें मुझे लग रहा है आधा घंटे के आसपास का तो टाइम लगेगा। लो अभी गेट थोड़ा दूर है यार, बिल्कुल आवाज़ भी वो हो रही है, कुछ शब्द नहीं है यार। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। सफारी तो हमारी अच्छी चल ही रही थी, क्योंकि हमने आज काफ़ी वाइल्ड एनिमल देखे, और दो बार टाइगर की साइटिंग एक ही सफारी में होकर तो मज़ा ही आ गया बिल्कुल। तो मैं जो इसे कहता हूँ कि यहाँ पर टाइगर देखने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं हमारे टाइगर रिजर्व में, ऐसा ही नहीं कहता, ये प्रूफ भी है उसका। यहाँ पर कुछ मूवमेंट दिखी और सांबर डियर की कॉल हुई थी, हमने फिर यहाँ पर गाड़ी रोकी है। कुछ है क्या यहाँ पर? हमें ऐसा लगा था कि शायद तीसरा टाइगर दिखने जा रहा है एक ही सफारी में, लेकिन दिखा नहीं। ये सामने गेस्ट हाउस दिख रहा है, उसके पास एक वाटर होल है, इसमें स्पॉटेड डियर हैं। अब थोड़ा अंधेरा होने लगा है क्योंकि रोशनी कम हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि वाइल्ड लाइफ अब और ज़्यादा एक्टिव होने लगी है, क्योंकि कॉर्निवायरस एनिमल्स का जो निकलने का टाइम हो गया है, और जो स्पॉटेड डियर वगैरह हैं, अभी स्पॉटेड डियर और सांबर डियर भी हमने भागते हुए देखे इधर से उधर। यहाँ पर कोई एनिमल्स 100% कोई एनिमल है, और शायद वो टाइगर है, क्योंकि धीरे धीरे चलने की आवाज़ आ रही है। हमने फिर गाड़ी रोकी है, टाइगर की कॉल है, टाइगर आसपास ही है कहीं। एक और गाड़ी आ रही है पीछे, बिल्कुल आराम से रहो, कोई हिलो मत, शोर मत मचाओ।
किसी के चलने की आवाज आ रही है धीरे धीरे। टाइगर हमारे आसपास ही था, हमें उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी और धीरे धीरे पत्तों में चलने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था तो ज़्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं था, अंधेरा हो रहा था, तो हम बस अभी ये चाहते हैं कि सेफली यहाँ से बाहर निकल जाएं। सामने गेट दिख रहा है, गेट पर लाइट जल रही है, लेकिन हमारी सफारी 100% सफल रही। हमें दो टाइगर बिल्कुल क्लियर दिखे और तीसरे की प्रेजेंस फील हो रही थी, तीसरा टाइगर भी हमारे पास ही था, मतलब बाहर आ गए। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।